रीना खान, तो हम लोग आए हैं मॉल। मेरे साथ है अलीना। तो हम लोग यहाँ आए, पहले हम लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग एनिमल मूवी देखेंगे। मैं जानती हूँ हम लोग ऑलमोस्ट 1 वीक लेट हो चुके हैं, क्योंकि अलीना को नहीं टाइम नहीं नहीं गाइस, था। मैं बताती हूँ, हम लोग लेट हो चुके हैं क्योंकि हिना को आपको कुछ सरप्राइज देना था। और ओ क्या सरप्राइज है हाँ, वो हम वीडियो पे क्या बोल रहे सरप्राइज हैं। है वो आपको वीडियो के एंड तक जाके देखना पड़ेगा। तो आपके लिए कुछ सरप्राइज है, वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग शॉपिंग करेंगे, आपको बताती हूँ कि हम लोग क्या खरीदेंगे। पहले देखते हैं, अलीना को चाहिए हुडी, तो पहले सबसे पहले जाके हम हुडी चेक करते हैं। उसके बाद जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मूवी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखना। मिली 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 नहीं मिल गई, मुझे थोड़ी चाहिए, तुझे चाहिए, तू चेक कर ना, तू मैं तो देख रही हूँ सिर्फ। यू आर माई असिस्टेंट बेबी, ओ चेक इट रियली? फॉर अच्छा, मी। यस गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने पूछा बट उन्होंने कहा कि लेडीज हुडी नहीं अवेलेबल है। दिस इज वेरी सैड। मेरी बहन मुझे टी शर्ट दिलाएगी बच्चों वाली। शूज देखते ही नहीं, नहीं, नहीं। शूज हाँ सामने। तुझे हुडी चाहिए, शूज नहीं, नहीं लूटने आई है क्या? कभी कभी तो मौका मिलता शूज भी है है सामने। हाँ। वो शूज पे तो मेरी नियत खराब हो जाती है। तो गाइस देखो, हिना मेरी हुडी का बोल के अपनी कॉस्मेटिक की शॉपिंग कर रही है। ऐसी बहन। हाय हीना बच्ची। तो अलीना को तो कुछ पसंद नहीं आया, मैंने उसको इतनी अच्छी हुडी बताई लेकिन उसको पसंद नहीं आई। और रोशनी, आप रोशनी को मिस कर रहे होगे, तो रोशनी भी आई हम लोगों के साथ, लेकिन वो ऑलरेडी अंदर जा चुकी है क्योंकि उसको रणबीर कपूर की एंट्री मिस नहीं करनी है। वैसे तो हमें भी मिस नहीं करनी थी, लेकिन इसके चक्कर में मैं लेट हो चुकी हूँ। तो अब हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। चलो। तो गाइस, हम लोग मूवी देख के बाहर आ चुके हैं। मूवी वॉज ओके ओके, बट रणबीर का लुक अच्छा था। तो आपकी क्या क्या कहेंगी आप? मुझे मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है और हिना को पसंद नहीं आई। नहीं, मुझे पसंद नहीं आई, ओके ओके थी, ज़्यादा वाव नहीं थी, अच्छी थी। तो मैं आई हूँ अपने होम टाउन में और मैं आई हूँ मेला विजिट करने यहाँ पे। यहाँ बहुत मज़ा आता है, मैं स्टार्टिंग से ही यहाँ पे आती थी जब मैं छोटी थी। और मेरे साथ है एज यूजुअल हाय रोशनी गाइस और अल्लू खान। अल्लू खान। तो अभी हम लोग जाएंगे, आप वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो गाइस, हम लोग मेले के सबसे बड़े झूले में बैठने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फेरीज व्हील। और अलीना को बहुत डर लग रहा है, अभी एक राउंड खत्म होगा तो फिर हमारा राउंड आएगा, अलीना को बहुत डर लग रहा है। तो गाइस, फाइनली झूला स्टार्ट हो गया है और आप देख सकते हैं अलीना को बहुत डर लग रहा है। हाइट से बहुत डर लगता है पर मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ऐसी बहन अल्लाह किसी को ना देगा। मैं उसका डर निकालना चाहती हूँ, इसलिए उसको लेकर आई हूँ। वाह अल्लाह अल्लाह गाइस, आप देख सकते हैं कि हम कितनी हाइट पे हैं। देखिए गाइस, आप लोग देख सकते हैं कहानी ना कितनी जालिम है। कमेंट करके बताना कि हाइट से किस किस को डर नहीं लगता है और झूला किस किस को पसंद है। हमारे साथ रोशनी भी आई हुई है, लेकिन उसको भी अजीना की तरह डर लगता है, इसलिए वो नीचे ही कहीं खड़ी होगी। आपको इतने क्राउड में दिखेगी नहीं वो। डन, मेरी बहन का मिशन कंप्लीट हो गया, डर नहीं लगता है ना। तो आप भी ट्राई करना, कोई डर नहीं लगता है। आप अगर एक बार हाइट पे जाओगे, एक बार अपना मतलब डर निकालोगे, तो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपको मेले का पूरा व्यू देखने को मिलता है, कितना प्यारा व्यू है, वाओ। गाइस यू कैन सी खान हीना नाव में बैठी है, हीना रोशनी भी उसके साथ ही है। मैं नहीं गई क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज्यादा डर लगा। ये लोग वापस आ चुके हैं। मजा नहीं आया क्या? कैसा लगा आपको झूले में? मतलब बहुत ज्यादा मौत के करीब। मौत के करीब। और आपको रोशनी भूख लग रही है? नहीं। गाइस
अल्लू क्या ले रही है? बैंगल। नहीं अच्छे लग रहे। नो, चलो मुझे नहीं पसंद आ रहे। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मैं आपको वीडियो के एंड में एक सरप्राइज देने वाली हूँ, तो अब वक्त आ गया है सरप्राइज देने का, सो बी रेडी। तो अब वक्त होता है, मैं ये इसकी अनबॉक्सिंग करूंगी फिर तुम्हें बताऊंगी ये क्या है, जल्दी से बैठो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था आपके लिए एक सरप्राइज है, तो गाइस सरप्राइज ये है, मैंने आईफोन 15 प्रो मैक्स ले लिया है। अभी तक मैंने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की थी, मैंने सोचा आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करूंगी, तो अब वक्त हो चुका है इसे अनबॉक्स करने का। सो टडा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ये है मेरा आईफोन 15 प्रो मैक्स, आई एम वेरी हैप्पी। तो गाइज आप कमेंट करके बताना, कि आपको मेरा सरप्राइज कैसा लगा, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहना, मुझसे प्यार करते रहना, और मुझे बताना कि मुझे किस टाइप के कंटेंट बनाने चाहिए, और आप किस टाइप की वीडियोस मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, किस टाइप की वीडियोस मुझे व्लॉग में क्या क्या बनाना चाहिए, सब मुझे बताना कमेंट करके, और मेरा सरप्राइज आपको कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।